लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। भारत और हांगकांग के बीच हुए मुकाबले को भारत ने 26 रनों से जीत लिया है। आज शिखर धवन ने भारत की तरफ से खेलते हुए 127 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 120 बॉलों का सामना किया। शिखर धवन ने अपने इस 127 रनों की पारी में 15 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं अमिती रायडू ने भी 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 70 बॉलों का सामना किया। 3 चौके और 2 छक्के लगाने में अमिती रायडू सफल रहे हैं। वही बात करें भारत की बॉलिंग की, तो भारत की तरफ से आज खलील अहमद ने अपना डेब्यू मैच खेला, जिसमें उन्होंने 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनके अलावा युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट चटकाए और कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। वही हम बात करें हांगकांग की बल्लेबाजी की, तो हांगकांग की बल्लेबाजी ने आज सभी को हैरत में डाल दिया था। जी हां, आपको बता दें कि आज हांगकांग की ओपनिंग जोड़ी नज़ाकत खान और अंशुमन रथ ने भारत के मुंह से लगभग जीत को छीन ही लिया था। जहां नज़ाकत खान ने 92 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं अंशुमन रथ ने भी 73 रनों की गजब की पारी खेली। और इन दोनों बैट्समैनों की बदौलत आज भारत के मुंह से जैसो जीत छिन गई थी। एक बार को तो लगा था कि भारत इस मैच को बड़ी आसानी के साथ हार रहा है, लेकिन जैसे ही अंशुमन रथ आउट हुए, उसके बाद नज़ाकत खान को खलील ने आउट किया और फिर भारत की जीत लगभग पक्की हो गई और भारत ने इस मैच को 26 रनों से जीत लिया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आज एक छोटी टीम से जीतने के बाद भी यहाँ भारत इस मैच को हार गया है। जी हाँ, जहाँ अनुमान लगाए जा रहे थे कि यह मात्र एक प्रैक्टिस मैच होगा, लेकिन इस प्रैक्टिस मैच को हांगकांग ने आज जीत लिया होता और भारत को बता दिया है कि आखिर किसी भी टीम को हल्के में ना लें।